से बुरा हाल कीजिएगा सुदामा जी। धर्मपत्नी के बार बार कहने पर सुदामा न चाहते हुए और बजाइए कृष्ण से मिलने चला। द्वारकाधीश के महलों के अंदर जाने का प्रयास किया। अरे ब्राह्मण, किधर को जा रहे हो? जानते भी हो यह मार्ग किधर जा रहा है? यह मार्ग द्वारकाधीश श्री कृष्ण के महलों को जाता है। हे विप्र, तुम यहाँ कहाँ भटक रहे हो? ए भाई, जानता हूँ ये मार्ग से कृष्ण के महलों को जाता है। मैं उनसे ही मिलने आया हूँ भाई। यह भी डूब रही, द्वारकाधीश से मिलने का यह कौन सा समय है? महाराज अभी दरबार में नहीं है। अरे पंडित जी, श्री कृष्ण अपने महल के शयन कक्ष में आराम कर रहे हैं। देखो देखो ये गरीबी का हाल, कृष्ण के दर पे विश्वास लेके आया हूँ। मेरे बचपन का यार है मेरा श्याम, यही सोच कर मैं आस करके मुझ पर दया करो भाई। बस तुम जाकर कन्हैया को ये बता दो कि उनका बाल सखा सुदामा मिलने आया है। मेरे इस फटे हाल पर मत जाओ भाई, तुम बस जाकर मेरा संदेश उस कृष्ण को दे दो, उस कृष्ण को दे दो भाई। क्या हंसी शक्ता करने को हमें मिले हैं? तुम ठहरे दीन निर्धन फटेहाल ब्राह्मण, तुम्हारे अंग अंग से गरीबी बदहाली झलक रही है, और कहां महाराज श्री कृष्ण। क्षमा करना पंडित जी, हमें अपने प्राणों से हाथ नहीं धोने जो तुम्हारा यह संदेश द्वारकाधीश तक पहुंचा है।
जब तक मेरा संदेश उस द्वारकाधीश तक नहीं पहुंचाती तब तक मैं यहीं बैठा हूं, चाहे मेरे भूख प्यास से प्राण ही क्यों न चले जाए। संदेश पहुंचाने ही ज्यादा अच्छा है, क्यों ना महाराज का संदेश पहुंचा दें। ऐसे करो, तुम जाओ भतिया। तुम जाओ भतिया, तुम उम्र में बड़े ठहरे, मेरी बात को समझो, तुम ही जाओ। देखो भाई, मैं ठहरा बाल बच्चेदार परिवार वाला, मेरे बूढ़े माँ बाप थे, तुम ठहरे कुंवारे अकेले। अच्छा, मैं ही जाता हूँ। बिल्कुल थोड़ा थोड़ा रास्ता दे दे, बिल्कुल बीच में ही। मनोज जी, आज भी लीला धारी के चेहरे पर मुस्कान है, लगता है जरूर कोई नई लीला रचने वाले हैं। द्वारकाधीश की जय हो। कहो द्वारपाल, इस समय कैसे आनंद हुआ? महाराज, क्षमा चाहता हूँ, पर कारण ही कुछ ऐसा है। द्वार पर एक ब्राह्मण स्वयं को रुक क्यों गए? आगे बोलो। द्वार पर एक गरीब ब्राह्मण स्वयं को आपका मित्र बताता है, आपसे मिलना चाहता है, अपना नाम सुदामा बताता है। सुदामा? क्या कहा? सुदामा? मेरा बाल सखा सुदामा, मेरी बचपन का मित्र सुदामा, सुदामा मेरा मित्र सुदामा। समझो मेरी बाल सखा, शर्माना कैसा, चले आओ। रुक्मणी रुक्मणी,
मेरे मित्र के स्वागत की तैयारी करो। घबराओ मत सुदामा, सिंहासन पर बैठो। नहीं नहीं, मैं आपके सिंहासन पर कभी नहीं महाराज। ये पाप मुझसे न होगा। ये द्वारकाधीश मैं निर्धन बदनसीब बदकामा तुझ ब्राह्मण आपके चरणों में बैठ सकूं तो मेरा सौभाग्य होगा। हे दीनानाथ, हे दीनानाथ, हे दीनानाथ। सुदामा, मुझे महाराज कहकर प्रताड़ित ना करो। मैं संसार के लिए द्वारकाधीश हूँ, पर तुम्हारे लिए सिर्फ तुम्हारा बाल सखा हूँ। मुझे बचपन की तरह कृष्ण, कन्हैया या मोहन कहकर पुकारो। महाराज दाता खुशी का समा तेरे गरीब।